नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 10 दिसंबर, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में स्कूलों में अवकाश तालिका की हुई घोषणा। बिहार में सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। यह घोषणा बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने की है। इस विशेष अवकाश तालिका के तहत सरकार ने 60 दिनों की विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए यह साफ कह दिया है कि बिना किसी नोटिस के कोई भी विद्यालय सरकार द्वारा जारी किए गए नए अवकाश तालिका में कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। 66वें बीपीएससी परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव। आगामी 66वें बीपीएससी परीक्षा में काफी बदलाव होने वाले हैं, जिसके तहत अब 66वें बीपीएससी के होने वाली परीक्षा का पूरा एग्जाम पैटर्न यूपीएससी जैसा होगा। ऐसे में जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए इससे पहले हुए बीपीएससी की परीक्षा यानी कि 65वीं परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत अहम है, क्योंकि जो परीक्षार्थी 65वीं प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाएंगे, उन्हें अपनी तैयारी नए सिरे से करनी होगी। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। 90 के दशक में टीवी में प्रसारित होने वाले रामायण के रावण और चंद्रकांता सीरियल के क्रूर सिंह को कोई कैसे भूल सकता है। धार्मिक किरदारों से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले अखिलेंद्र मिश्रा मूल रूप से बिहार के निवासी है। अखिलेंद्र का जन्म बिहार के सिवान जिले में 28 नवंबर 1960 में हुआ था। उन्होंने अपने टीवी का सफर 1990 में शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें कई सीरियल्स में नकारात्मक रोल्स को अदा करते देखा गया है। कई सालों बाद अखिलेंद्र मिश्रा को फिल्मी जगत में काम करने का ऑफर्स भी आने लगा। 1999 में आई सरफरोश फिल्म ने उनकी बॉलीवुड में अलग ही पहचान बना दी थी, जिसके बाद एक के बाद एक फिल्मों में अहम किरदार के रूप में नजर आए हैं। नवादा के श्री गुनवा जी तीर्थ में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गुनवा का जैन मंदिर श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र गुनवा जी को समर्पित है। यह एक झील का केंद्र है। इस मंदिर में 40 परिसर है। कई लोग की श्रद्धा और भक्ति स्थान से जुड़ी हुई है। यह जैन मंदिर भारत के सबसे अच्छे जैन मंदिरों में से एक है। यह वह स्थान है जहां गंदरा इंद्रभूति गौतम ने केवला जनना प्राप्त किया था, जो जैन धर्म के एक प्रकार का ज्ञान होता है। इस ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। पैक्स चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई समाप्त। पैक्स चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पहले चरण में राज्य भर के 1610 अध्यक्षों ने अपनी किस्मत आजमाई है। आपको बता दें, इस पैक्स चुनाव से एक अध्यक्ष और 10 निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होना है, जिसके लिए मैदान में लगभग 60,000 उम्मीदवार दिखे। ज्ञात हो, कल हुए इस पैक्स चुनाव के पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी, जो कि शाम 3 बजे तक जारी रही। वाल्मीकि रिजर्व में टूरिज्म पैकेज का हुआ शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में नए टूरिज्म पैकेज का शुभारंभ किया है, जिसके तहत अब सभी सैलानी बड़े ही कम दाम में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सैर कर सकेंगे। इसके अलावा वाल्मीकि नगर दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म के तहत कई और अन्य सेवाओं का शिलान्यास भी किया। पीएफ नियमों में जल्द होंगे कई सारे बदलाव। नौकरी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। नौकरी पेशियों के लिए मोदी सरकार एक नई सौगात लेकर आई है, जिसके तहत अब सभी नौकरी पेशियों को टेक होम सैलरी में इजाफा हो सकता है, जिससे कि अब सरकार कामकाजी लोगों को प्रोविडेंट फंड में योगदान घटाने का विचार कर रही है। वहीं सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों का मानना है कि इससे कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत मिशन मोदी अगेन की हुई शुरुआत। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत मिशन मोदी अगेन की मुख्य इकाई और महिला मोर्चा की संयुक्त बैठक का आयोजन पटना के राम जयपाल पथ पर किया गया था, जिसका हिस्सा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंकर वत्स और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चेतना सिन्हा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर विस्तार में चर्चा की। आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर शंकर वत्स ने उपस्थित सभी लोगों को सरकार द्वारा किए गए कामों की गिनती भी करवाई, साथ ही साथ सरकार के इस कदम से लोगों तक पहुंच रहे लाभ का भी वर्णन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ब्राजील के राजदूत की हुई मुलाकात। ब्राजील के राजदूत 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने बिहार के कई म्यूजियम्स का जायजा लिया। साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से भी मुलाकात की, जिसके पश्चात ब्राजील के राजदूत आंद्रे अराना मुख्यमंत्री से भी मिले। अपनी इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कृषि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बायोफ्यूल की मांग पर भी जोर दिया। पटना यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने यूनिवर्सिटी को लेकर किया ऐलान। पटना यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में जन अधिकार पार्टी की शानदार जीत हुई है, जिसके पश्चात नवनियुक्त अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा है कि जाप की पहचान को मिटने अब हम नहीं देंगे। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हर समस्या के निवारण के लिए हम कुलपति से लेकर मुख्यमंत्री तक से मुलाकात करेंगे। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो या फिर परिसर में सुरक्षा प्लेसमेंट सेल को फंक्शनल बनाना, फीस बढ़ोतरी पर रोक, सेंट्रल लाइब्रेरी को 24 घंटे खोलने जैसे मुद्दा हमारी प्राथमिकता होगी।
रिटायरमेंट से पहले ही कर्मियों से मांगे जा रहे हैं कागजात। नौकरी से रिटायर करने से पहले ही सरकार कर्मचारियों से दस्तावेज जमा करवा रही है। ज्ञात हो सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए है जिनके अभी रिटायर होने में 6 महीने से ज्यादा का समय शेष है। सरकार ने यह फैसला नौकरी से रिटायर होने वाले दिन से ही पेंशन भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए लिया है, जिसके तहत भवन निर्माण संबंधित कर्मचारियों को पत्र भेजकर जरूरी दस्तावेजों को समय पर जमा करवाने की याद दिला रहा है, ताकि उनको पेंशन लेने के समय से किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अब मिथिलांचल और सहरसा का होगा मिलाप। सभी मिथिलांचल वासी और सहरसा वासियों के लिए खुशखबरी। नए साल पर राज्य सरकार ने सभी मिथिलांचल वासियों और सहरसा वासियों के लिए एक सौगात की पेशकश की है, जिसके तहत अब जल्द ही रेल महासेतु से मिथिलांचल से सहरसा का जुड़ाव होने जा रहा है, जिससे कि सरायगढ़ से छातरपुर रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इसके अलावा रेल महासेतु के रास्ते निर्मली तक ट्रेन पहुंचने पर मिथिलांचल के झंझारपुर और घोघरडीहा तक आना जाना आसान हो जाएगा। वहीं समस्तीपुर होकर दरभंगा जाने वाले लोगों को समय में भी काफी बचत होगी। राम मंदिर की खोज करने वाले ने बिहार में भी ढूंढा था यह ऐतिहासिक धरोहर। अयोध्या में दशकों से चलते आ रहे राम मंदिर के मामले की खोज अगर किसी ने की थी तो वो थे पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद। उन्होंने ही अपनी खोज से इस बात को साबित किया था कि वहां पर मस्जिद के निर्माण से पहले मंदिर की स्थापना हुआ करती थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर के मोहम्मद ने बिहार में भी कई ऐतिहासिक धरोहरों को ढूंढ के निकाला था, जिसमें कुम्हरार में अशोक के केसरिया स्तूप की खोज, आगरा के प्रथम क्रिश्चियन चैपल की खोज का श्रेय भी डॉक्टर के मोहम्मद को ही जाता है। शाहरुख खान की चल छैया छैया की तरह ट्रेन में करना हो सफर तो यहाँ जरूर आए। शाहरुख खान की फिल्म दिल का चल छैया छैया गाना आज तक लोगों के दिमाग में घर बनाए हुए है। खासकर शाहरुख खान का वो ट्रेन पर नाचना लोगों का ध्यान और ज्यादा अपनी तरफ केंद्रित करता है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप भी शाहरुख खान की तरह खुले ट्रेन में सफर करने का मजा उठाना चाहते हैं, तो बिहार के रक्सौल जिले से काठमांडू तक सफर के दौरान आप हूबहू वैसे ही नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। जल्द ही रक्सौल से नेपाल के बीच रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद आप भी ट्रेन की खुली छत पर लुफ्त उठा सकते हैं। टीएमबीयू के 31 सहायक प्राध्यापकों का हुआ चयन। भागलपुर के तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण कुमार सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए ऐलान किया है कि काउंसलिंग के 21 दिनों के पश्चात बीपीएससी से चयनित इतिहास के सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई है। ज्ञात हो, नियुक्ति के लिए टीएमबीयू ने कुल मिलाकर 34 सहायक प्राध्यापकों का चयन किया था, मगर 3 शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण 31 की पोस्टिंग कर दी गई है। भागलपुर में हवाई सेवा का जल्द हो शुरुआत। उक्त मांगे राज्यसभा में सभा सदस्य कहकशा परवीन ने उठाया है। इस बाबत उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत के लिए सरकार कितनी गहनता से काम कर रही है, इस बात का जवाब मांगा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से यह भी पूछा है कि अगर सरकार सच में भागलपुर में रेल सेवाओं का शुभारंभ करवाना चाहती है तो यह भी बताए कि कब तक भागलपुर वासियों को हवाई सेवा की सुविधा प्राप्त होगी। उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है भारी जाम का सामना। उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को हर दिन भारी जाम से होकर गुजरना पड़ रहा है। लगातार 10 दिनों से विक्रमशिला सेतु पर गाड़ियों का मजमा लगा हुआ है। जाम के बढ़ने से पुल पर गाड़ियों की संख्या 75,000 तक पहुंच जाती है, जिससे कि पुल पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। पुल पर दबाव बढ़ने से लोग भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मात्र 4.5 किलोमीटर पर बने इस पुल को पार करने के लिए अब लोगों को 7 से 8 घंटे का समय लग रहा है। कैमूर पहाड़ी के लगभग 100 गांव होंगे रोशन। कैमूर की पहाड़ियों पर बसे गांव वालों के लिए बिहार सरकार एक नई पहल लेकर आई है, जिसके तहत अब कैमूर पहाड़ी पर बसे लगभग 100 गांव तक जल्द ही रोशनी पहुंचाई जाएगी। दरअसल सरकार ने इन पहाड़ियों पर बसे गांव में सौर ऊर्जा से बिजली मुहैया करवाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद वहां रह रहे वनवासी पहली बार बिजली जैसी चीज को देखेंगे। रानी चैटर्जी की फिटनेस फोटोज कर रही है ट्रेंड। भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा रानी चैटर्जी आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल ही में रानी चैटर्जी ने अपने जिम की तस्वीरों को शेयर किया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। खबरों की माने तो आजकल रानी चैटर्जी अपने आप को फिट रखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत मुशक्कत कर रही है, इसलिए वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी जिम की तस्वीरों को शेयर करती है, साथ ही साथ अपने फैंस को फिट रहने की नसीहत देती है। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जमुई ने शिवहर को हराया। बांका नगर के आरएम के मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जमुई की टीम ने शिवहर को 5-1 से शिकस्त कर दिया है। ज्ञात हो, अपने उद्घाटन मुकाबले में मैच के शुरुआती समय से ही जमुई की टीम शिवहर के खिलाफ बढ़त में थी और अंत होते होते उसने यह जीत अपने नाम दर्ज कर ली। जीत के साथ ही जमुई अब आगे के पड़ाव पर पहुंच चुकी है। T20 में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ विराट पहुंचे शीर्ष पर। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारतीय कप्तान कोहली ने अपनी 19 रनों की छोटी सी पारी में ही रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर एक और कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दरअसल विराट कोहली T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और कोहली ने ये मुकाम रोहित शर्मा को 1 रन से पीछे छोड़कर हासिल किया है। विराट के नाम पर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2,563 रन दर्ज है, वहीं रोहित शर्मा के नाम पर 2,562 रन दर्ज है।
अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही बादलों का आना जाना लगा रहेगा, जिसके कारण ठंड भी बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा, मगर ठंड का असर बढ़ेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.54 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.11 रुपए प्रति लीटर था। सोनपुर मेला की विदाई पर उमड़ रही लोगों की भारी भीड़। सोनपुर मेले के अंतिम रविवार को लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। आखिरी रविवार को मेले में शिरकत होने साथ ही साथ खत्म होने से पहले बाकी बची खरीदारियों को पूरा करने के लिए काफी तादाद में लोग मेले में दिखाई दिए, जिसकी वजह से समय समय पर पुराना गंडक पुल और सोनपुर हाजीपुर मार्ग पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी। रविवार को मेले में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेले में आए लोगों के चलने के लिए एक इंच जगह भी नहीं थी। बिहार कांग्रेस अब नए सिरे से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रहा है, जिसके तहत अब बिहार कांग्रेस में नाकाबिल जिला अध्यक्षों को बाहर किया जाएगा, वहीं उनकी जगह पर काबिल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। ज्ञात हो बिहार कांग्रेस ऐसे जिला अध्यक्षों को बाहर का रास्ता दिखा रही है जो कि संगठन के लिए प्रतिबद्धता से काम नहीं कर पा रहे और साथ ही साथ अपना समय नहीं दे रहे हैं। तो अब चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, गंगा नदी को साफ रखने के लिए सरकार और लोगों को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।